हेलो माय डियर फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वैल्यू एजुकेशन स्टोरी एंड दिस स्टोरी टाइटल इज मेकिंग अ चॉइस श्रुति स्कूल हॉली एंजल्स वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल कार्निवल ईच क्लास वाज टू सेट अप अ स्टॉल श्रुति के स्कूल हॉली एंजल्स में एनुअल कार्निवल की तैयारियाँ चल रही थी तो हर एक क्लास को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप एक स्टॉल को लगाओगे श्रुति क्लास हैड बीन असाइंड द वेजिटेबल स्टॉल डिस्प्लेइंग एक्सॉटिक वराइटीज ऑफ ऑर्गेनिकली फार्म प्रोडक्ट्स श्रुति को की क्लास को जिम्मेवारी दी गई कि वो ऑर्गेनिकली जो फार्म्ड प्रोडक्ट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो डिस्प्ले करेंगे स्टॉल में श्रुति हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग द वेजिटेबल फ्राम हर फादर्स फ्रेंड्स ऑर्गेनिक फार्म श्रुति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि वो वेजिटेबल्स लेकर आएगी अपने फादर के जो दोस्त हैं उनके ऑर्गेनिक फार्म से इट वॉज़ अ फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन थेनी वेयर हर हाउस वॉज लोकेटेड वो जो फार्म हाउस था उनकी टाउन जो थी थेनी वहाँ पे था और उनका घर जो था बहुत नज़दीकी लोकेटेड था कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो फार्म हाउस था श्रुति वेटेड एनशियसली फॉर द बास्केट टू अराइव ऑन द मॉर्निंग ऑफ द कार्निवल श्रुति वेट कर रही थी कि कब बास्केट आई वेजिटेबल्स की घर में और वो कार्निवल के लिए जाए There वॉज नो साइन ऑफ एनी मूवमेंट outside हर हाउस उसके घर के बाहर उसको कोई मूवमेंट ही नहीं नजर आई कि हाँ कोई आ रहा है शी वॉज रनिंग आउट ऑफ आउट ऑन टाइम उसका समय जो था वो बीतता जा रहा था क्योंकि उसने स्कूल जाना था शी बिगेन टू पैनिक वो डर जाती है वो Would she tell her or her friends, वो टेल हर टीचर और हर फ्रेंड्स वो अपने दोस्तों और टीचर्स को क्या जवाब देगी श्रुति वॉरिट वो चिंतित हो जाती है शी शीरास टू स्कूल टू सी हाउ द प्रेपरेशन्स वर गोइंग ऑन देर वो चाहती थी वे स्कूल की तरफ भागे और ये देखे कि हाँ स्कूल में कैसी तैयारियाँ चल रही हैं एवरी वन वॉज़ बिजी विद द अरेंजमेंट्स सब बिजी थे अरेंजमेंट्स में दे डिडेंट सेम टू इवन नोटिस हर अराइवल उनको किसी को भी Uh, जो बच्चे और थे वो ध्यान ही नहीं दे पाए कि वो आ चुकी थे थी और उसकी प्रेजेंस को वो महसूस नहीं कर पाए श्रुति लुक्ड अराउंड वो इधर उधर देखती है हर ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स पर बिजी अरेंजिंग देयर वेयर वो देखती है कि उसका जो ग्रुप था फ्रेंड्स का वो अपना सारा सामान जो था वो अरेंज कर रहे थे शी वॉज इन अ ग्रुप ऑफ इन चार्ज ऑफ द वेजिटेबल सेक्शन वो छः थे ग्रुप में और वो सेक्शन में बीच में थी वेजिटेबल्स वाले में शी स्टड फॉर अ वाइल्ड वंडरिंग हाउ दे हैड मिस्ड आउट ऑन हर कॉन्ट्रीब्यूशन वो वहाँ पे थोड़ी से समय के लिए खड़ी हो जाती है और वो फिर एकदम से वंडर uh, होता है हैरान हो जाती है कि किसी को पता ही नहीं लगा कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसने वेजिटेबल्स लेकर आनी थी वो नहीं लेकर आई है उसको लगता है वो सब भूल चुके हैं गुड शी टोल्ड हर सेल्फ आई विल जस्ट कीप क्वाइट नो बडी नोज़ माई स्टफ इज़ एंड देर कहती अच्छा है चलो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरा स्टफ जो है आ, नहीं है जस्ट देन क्लास टीचर मिस डॉर्थी राइव डोरॉथी अराइव आ जाती है उनकी टीचर आ जाती है श्रुति जस्ट लव हर श्रुति उसको बहुत प्यार करती है कमन श्रुति शी सेड वो कहती है ज्वाइन इन एंड हेल्प देम आउट आप इनको ज्वाइन करो इनकी हेल्प करो यू आर गुड एट अरेंजिंग स्टफ़ वेल और आप स्टफ़ को अरेंज करने में काफ़ी अच्छे हो कम ऑन कम ऑन क्राइड आउट हर फ्रेंड्स तो उसके फ्रेंड्स जो बोलते हैं जल्दी जल्दी आओ वी डिडेंट नोटिस यू एट ऑल हमने तुम्हें देखा ही नहीं श्रुति कुडेंट कंटेन हर सेल्फ एनी मोर शी बर्स्ड आउट सॉबिंग वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रोना शुरू कर देती है आई एम सॉरी आई डिडेंट मीन टू बट इट हैपन श्रुति वेंट ऑन कहती मैं नहीं चाहती थी मेरा ये मतलब नहीं था वो बोलने की कोशिश कर रही है बट कुडंट कन्वे वट शी वॉन्टिड टू पर वो कह नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहती थी वेन शी डिड जब वो करती है आफ्टर लॉट ऑफ कॉक्सिंग एंड कैजोलिंग खेजलिंग और कॉक्सिंग मीन्स वो कुछ एक्सप्रेस जब बंदा जो दिल में होता है वो एक्सप्रेस करना चाहता है प्लाइट वे में लेकिन वो कर नहीं पाता द गर्ल्स एंड मिस जोरौथी बर्स्ट आउट लाफिंग तो वो हंस पड़ते हैं जब वो ऐसे देखते हैं उसको यू सिली गर्ल आई जस्ट इट्स जस्ट सो सिंपल कहती ये बहुत सिंपल है बींग गुड डजेंट मीन दैट पीपल शुड ऑलवेज थिंक यू आर गुड अगर आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सब सोचेंगे कि आप अच्छे हो मिस हैपन कई बार दुर्घटनाएं छोटी छोड़ छोटी बातें हो जाती हैं बी फ्रैंक बी प्लाइट आप बोल्ड बनो और सबके साथ पोलाइट रहो नो वन विल थिंक बैड ऑफ यू इफ़ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक कोई भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा अगर आप अपनी गलती को मान लेती हो मेकिंग द राइट चॉइस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्रिएटिंग अ फेक इम्प्रेशन राइट चॉइस जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है इससे कि आप क्या कर रहे हो एक फेक सा इम्प्रेशन जमा रहे हो इससे बेटर है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो और अच्छा करो नाओ चेयरअप अब खुश हो जाओ एंड हेल्प द गर्ल्स सेड मिस जार्थी कामली श्रुति तो उसको आराम से चुप करके वो उसको कहती है कि अब तुम uh, खुश हो जाओ और इन गर्ल्स की हेल्प करो आई होप ऑल ऑफ यू हैव इन्जॉयड द स्टोरी बाय बाय